ये विद्या के पेड़ हैं, जो विद्या हम किताब में रखते हैं ना, बचपन में स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। और भाई का कमेंट आया था कि मैं अगर जनवरी में अप्लाई करता हूँ तो मार्च में आ जाऊँगा। देखो यार ये मशरूम किधर से आ गया, देखो इसको हाथ से नहीं टच करना है, क्यों जहरीला होता है। ये देखिए, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है मोबाइल में, जिन लोगों से चला नहीं जाता है। ये स्कैन टू राइड लिखा हुआ है ना, ये स्कैन करो। और इसके ऊपर पता नहीं पे भी होता है, वीज़ा कार्ड का भी ऑप्शन था, अभी मैंने पास से दिखाया है। मौसम भी अच्छा है आज, समंदर भी उछल नहीं रहा है। जिस दिन बारिश का मौसम होता है, समंदर भी ऊपर तक पानी फेंकता है, इधर ऊपर ऊपर आता है पानी। भाई एक बंदे ने यार कमेंट किया था कि यार हाँ, स्टूडेंट साइप्रस में आते हैं 3-4 महीने पहले काम क्यों नहीं कर सकते हैं, रीजन क्या है। कोई कोई लोग यार जल्दबाजी में काम करना शुरू करते हैं, मालिक बोलते हैं हाँ कोई ज़रूरत नहीं है तेरी पिंक स्लिप की, और बाद में काम वगैरह करवा लेते हैं, उनसे सैलरी वगैरह नहीं मिलती है। मामे भी बोलेंगे कि भाई तू तो रजिस्टर नहीं है, तेरे पास पिंक स्लिप नहीं है, तू काम कैसे करने चला गया उधर। ये इनका रोमन बहुत 1986 का रेस्टोरेंट है, होटल है, पता नहीं क्या, लेकिन इसको तोड़ा नहीं है। भाई मुझे ना एक मैसेज बहुत आता है यार कि भाई हम आने वाले हैं तो इमिग्रेशन कैसे सवाल पूछेगी हमसे, कैसे पूछेगी, क्या बोलेगी उधर एयरपोर्ट पे, क्योंकि उनको पता है लोग साइप्रस जाते हैं ना, यूरोप में एंटर हो जाते हैं तो इधर से सीधा यूरोपियन कंट्री मूव हो जाते, वापस नहीं आते वो। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग, और भाई स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कैसे हो? कैसे हो आप लोग? भाई कैसे हो आप लोग, बताओ इसको जल्दी से। और हम आए हैं बाहर, मॉल के बाहर, कोई काम है, और अभी थोड़ा सा वीडियो बनाने भी आए थे, स्टैंड वगैरह लेके चल रहे हैं। अभी आगे को चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम किधर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमेशा की तरह हम कमेंटों के रिप्लाई करते हैं, कुछ लोगों के रिप्लाई भी करेंगे कमेंट के, और वीडियो के साथ बने रहिए। जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हम चलते हैं थोड़ा सा आगे को, आपको व्यू दिखाते हैं कुछ। यार जब भी मैं इधर को आता हूँ ना, मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगता है, इधर को ये आसपास ये लगे हुए हैं बड़े बड़े से, पता नहीं कौन से पेड़ हैं। हमारे इंडिया में इनको किताब में रखते हैं और इसको बोलते हैं विद्या। पता नहीं कुछ लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा, ये विद्या के पेड़ हैं, जो विद्या हम किताब में रखते हैं ना, बचपन में स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और बोलते हैं इसको रखने से विद्या आएगी, हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाएंगे, स्टडी बहुत अच्छी करेंगे, ये उसके पेड़ हैं। तो बोलिए कौन कौन रखता था किताबों में अपनी अपनी, मैंने भी रखा था। और ये व्यू बिल्कुल ही मॉल के बाहर है। तो कुछ यार ऐसे वीडियो बनाने आए थे, वो फनी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, वो भी डालूंगा मैं, और एक दो कमेंटों के जवाब भी देंगे अभी। पहले तो यार बीच बीच में मैं जवाब भी देता हूँ। एक भाई का कमेंट आया था कि मैं अगर जनवरी में अप्लाई करता हूँ तो मार्च में आ जाऊँगा। भाई इतनी जल्दी तो नहीं आ पाओगे आप, एजेंट भी बहुत लेट कर देते हैं, पहले तो आप फाइल लगाओगे, फिर वो प्रोसेस होगा, जून जुलाई में आ सकते हो, जन अक्टूबर नवंबर के आसपास आ सकते हो, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे और कमेंटों के जवाब देंगे, बने रहिए। ये देखिए ये भी ब्लॉग बना रही है, इसका भी अभी चैनल होगा, महिमा ब्राइली चैनल तो है, लेकिन इसने वीडियो डिलीट कर दिया था, इसके भी ब्लॉग है अभी कुछ, ये भी ब्लॉग डाला करेगी, शॉर्ट ब्लॉग डालेगी, ये शॉर्ट ब्लॉग तो रोज़ ही डाल सकता है बंदा, क्योंकि मैं हर रोज़ ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ, काम पे होता हूँ। तो इसके वैसे 100 कुछ 200 हैं इसके सब्सक्राइबर, बाकी आप लोगों को अगर जाके सब्सक्राइब करना तो कर दो, इसके चैनल पे सिर्फ यही डालेगी। कमेंट किया करो, ये उसका वीडियो बना के आपको जवाब दिया करेगी, और बाकी लोग भी देखेंगे, ठीक है। तो अच्छी वीडियो, इसको एडिटिंग तो मैं ही करूँगा, इसकी सारी डिपेंड मेरे पे, ये सब कुछ मैं हूँ कि रोज़ वीडियो नहीं बना सकता हूँ, काम पे होता हूँ, इसका काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैंने बोला है कि तू वीडियो बना दिया कर लोगों के कमेंटों की, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई नहीं हो पाता है,
जिनको मेरा इंस्टाग्राम नहीं पता है, मैं इंस्टाग्राम लिख देता हूँ, लेकिन भाई उधर रिप्लाई ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो मेरे पास फ़ोन होता है वो यूट्यूब वाला होता है, यूट्यूब वीडियो बनाने वाला, उधर ही मेरा चैनल है, तो रिप्लाई होता नहीं है। यूट्यूब पे कमेंटों का जल्दी कर देता हूँ, और इंस्टाग्राम वाला फ़ोन घर पे होता है, किचन में काम है ना, इसलिए भाई कमेंट का रिप्लाई जल्दी कर देता हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन फिर भी मैं इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बाकी यार घास देखो कितनी अच्छी अच्छी है, व्यू बहुत अच्छा रहा है, ऊपर पूरा नीला आसमान, नीचे पूरी हरी हरी घास, और इधर ही पास में स्टारबक है। क्या हुआ, थक गए क्या? आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो? हाँ, मैंने लोगों को बोला आप वीडियो बनाओगे। इतने बड़े मशरूम दिखाओ यार, ये मशरूम किधर से आ गया देखो। इसको हाथ से नहीं टच करना है। क्यों, जहरीला होता है? मैं भी ओ भाई ओ। अगर आप लोगों को जंगल में खो गए हो, आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप ये मशरूम खा सकते हैं। वो चेक करके खा लेना, नहीं तो कोई पॉइजन वाला हो सकता है। बाकी यार आज थोड़ी सी धूप निकली थी, बहुत दिन से बारिश हो रहा है इधर को, सर्दियों में बारिश होता है साइप्रस में, जो साइप्रस में रहते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो साइप्रस में नहीं रहते उनको नहीं पता है। मुश्किल से धूप निकली आज, मुश्किल से। वो देखो वो किधर जाके बैठ गई है, अपना व्लॉग बना रही है, और इसका चैनल है यार महिमा ब्राइली, अगर किसी को देखना होगा तो देख लेना। लड़कियों के टाइप के ब्लॉग डालेगी, मतलब सभी टाइप के ब्लॉग डालेगी, लड़की की लाइफ कैसे होती है यूरोप साइड में, आपको उसके ब्लॉग देख के पता चल जाएगा। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाकर देखा तो ढिल्लो बातें कर रहा था किसी से। तू मेरे फोन मुंह कैमरा नहीं मारना, तेरे ब्लॉग में मेरे बाकी यार जो लोग घूमने आते हैं ना इधर को, उनके लिए ये देखिए, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है मोबाइल में, जिन लोगों से चला नहीं जाता है, ये स्कैन टू राइड लिखा हुआ है ना, ये स्कैन करो, और इसके ऊपर पता नहीं पे भी होता है, वीज़ा कार्ड का भी ऑप्शन था, अभी मैंने पास से दिखाया है, पैसे देके आप इसे चला सकते हो और कहीं भी घूम सकते हो। ये सारा टूरिस्ट प्लेस है, ये पत्थर की सड़क लगी है ना, सारी टूरिस्ट उधर बीच की तरफ जाती है, इधर से घूमने वाले लोग ये रेंट पे ले सकते हैं। पर अभी हम बीच की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों को बीच पे व्यू दिखाते हैं कैसा है उधर। आज दिन भर कोई काम नहीं है, इसलिए सोचा कि आप लोगों को कुछ वीडियो बना के दिखाते हैं हम लोग। भाई सर्दियों का मौसम चल रहा है और हम लोग आए हैं बीच पे, हमने सोचा नहीं था कि सर्दियों में भी इतने लोग होंगे बीच पे, लेकिन आप लोग पार्किंग देख लीजिए, देखिए कितने लोग हैं भाई, सारे लोग बीच पे आ चुके हैं आज, क्योंकि वेदर अच्छा है, थोड़ा सा आज धूप निकली हुई है इसलिए। और कैमरे की बैटरी भी डाउन होने वाली है, आप लोगों को बाद में आईफोन में शूट करूँगा। देखिए आज धूप में कैसे लोग बाहर को आए हैं, सभी उधर बहुत ज़्यादा है आगे, तो मौसम भी अच्छा है आज, समंदर भी उछल नहीं रहा है, जिस दिन बारिश का मौसम होता है समंदर भी ऊपर तक पानी फेंकता है, इधर ऊपर ऊपर आता है पानी। देखिए आज पानी थोड़ा सा शांत है, इतना ज़्यादा उछल नहीं रहा है ना। ये देखिए भाई लोग मछली पकड़ रहे हैं, वो बहुत आगे, मुझे नहीं लगता इधर को कोई मछली होगी यार। हाँ पकड़ने वाले पागल होंगे। तो मछली दिखाई तो देती नहीं इधर कोई, आपको कभी मछली दिखी इधर को कोई? हाँ इतना बड़ा मछली आगे सामने पड़ा हुआ है, वो तो मगरमच्छ है। आगे दिखाते हैं, ये गोरे गोरे लोग घूम रहे हैं भाई, आज वेदर अच्छा है ना, धूप अच्छी लगती है गोरे लोगों को भाई। ये देखिए एक छोटी सी बिल्ली इधर को, देखो इधर को आ गई, ये भी कुछ खाने आई है इधर को, शेप में इधर सोचा इसने एक आधी मछली मिल जाएगी। भाई एक बंदे ने यार कमेंट किया था कि यार हाँ स्टूडेंट साइप्रस में आते हैं 3-4 महीने पहले काम क्यों नहीं कर सकते हैं, रीजन क्या है, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था वो बोल रहा है। तो भाई ऐसा है कि ये इंडिया नेपाल जैसे हम इधर के रूल नहीं है,
इधर रूल ऐसा है, इधर आदमी की वैल्यू नहीं है, इधर पेपर की वैल्यू है। जब तक वो आदमी रजिस्टर नहीं होता है, उसके बाद उसके पास पेपर नहीं आते इमिग्रेशन के, फिंगरप्रिंट नहीं होते हैं उसके, ठीक है। पहले महीने ही हो जाते हैं, 1.5 महीने तक, लेकिन उसका रिजल्ट आता है जब तक वो अपलोड होते हैं गवर्नमेंट पे, जो इधर सिस्टम है जो सारा ऑनलाइन बंदे को चेक करते हैं सारे, ठीक है। फिंगरप्रिंट जब कोई क्राइम होता है तो उस पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके फिंगरप्रिंट ले लेते हैं तो देख लेते हैं बंदा कौन है क्या नहीं है। सभी लोग सिस्टम में होते हैं इधर, ठीक है। जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे तो आप लोग काम नहीं कर सकते, तो इसलिए 3-4 महीने लगते हैं उस चीज़ को, ठीक है। इमिग्रेशन पूरी होती है, उसके डॉक्यूमेंट मिल सारा, आपको पिंक स्लिप मिलती है, वीज़ा होता है वो, उसका मतलब होता है आप पूरे अभी जेन्युइन हो आदमी। कोई कोई लोग यार जल्दबाजी में काम करना शुरू करते हैं, मालिक बोलते हैं हाँ कोई ज़रूरत नहीं है तेरी पिंक स्लिप की, और बाद में काम वगैरह करवा लेते हैं उनसे, सैलरी वगैरह नहीं मिलती है, उनके साथ धोखा हो जाता है। उनको बोलते हैं कौन सी सैलरी भाई, तूने ये नहीं किया था, तूने छुट्टियाँ की थी, ये किया वो किया, तो इसलिए उनको बोलते हैं, बहाना बना के उनको पैसे ना देने पड़े, क्योंकि वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि उनके पास पिंक स्लिप नहीं होती है। माँ में भी बोलेंगे कि भाई तूने तो तू तो रजिस्टर नहीं है, तेरे पास पिंक स्लिप नहीं है, तू काम कैसे करने चला गया उधर, उल्टा आप ही के ऊपर सब कुछ हो जाएगा। इसलिए पिंक स्लिप का वेट करना ज़रूरी है, इमिग्रेशन की भी वेट करनी बहुत ज़रूरी है। इधर के रूल के हिसाब से सब कुछ चलता है भाई, आप फाइट भी नहीं कर सकते हो किसी से। तो ये जो ऊपर पुल दिख रहा है ये, इसके ऊपर बहुत बार गए हैं हम, आज नहीं जाएंगे क्योंकि हम थक गए हैं, चल चल के आज थक चुके हैं। तो बाकी घास फूस इधर भी बहुत उग गया है बारिश में, ये इधर सड़क बना रही है, कच्चा रास्ता है इधर। वैसे इंडिया जैसे भांग नहीं उगती है, हमारे उधर भांग वगैरह उग जाती है ना, इधर भांग नहीं, इधर कुछ अलग ही जंगली घास उग रही है, ठीक है। ये इनका रोमन बहुत 1986 का रेस्टोरेंट है, होटल है पता नहीं क्या, लेकिन इसको तोड़ा नहीं है, बहुत ही म्यूजियम बन गया है, म्यूजियम के जैसे बना रखा है इसको। बाकी ये देख लीजिए मौसम ढल रहा है, और अभी हम ऊपर को जा रहे हैं चलते चलते, 3-4 काम थे आज यार करने को, इसलिए सोचा साथ साथ व्लॉग भी बना लें। भाई मुझे ना एक मैसेज बहुत आता है यार कि भाई हम आने वाले हैं तो इमिग्रेशन कैसे सवाल पूछेगी हमसे, कैसे पूछेगी, क्या बोलेगी उधर एयरपोर्ट पे। भाई वो कुछ नहीं पूछते हैं, इतना पूछते हैं कौन सा कॉलेज है, कौन सा कोर्स है, वो भी किसी किसी के ऊपर दबाव बनाने के लिए करते हैं, वो किसी किसी से ना वो ऐसे गुस्से में आके बात करते हैं वैसे, ठीक है। हर किसी से नहीं पूछते हैं, जिनके ऊपर थोड़ा बहुत शक हो वो कि ये बंदा स्टडी पे जा रहा है, कौन सा कोर्स है, क्या करने जा रहा है, कौन सी सिटी है, और वापस आएगा कि नहीं आएगा, कितने साल का कोर्स है, उसको उलझा देते हैं, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ था 2018 में ऐसा, ठीक है, जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं वो ताकि बंदा उलझ जाए। किसी किसी की तो वो टिकट भी कैंसिल कर देते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनके बस में होता है सब कुछ टिकट। एक बंदा दोबारा करवा के गया था, एक बंदे का भी मेरे को मैसेज आया था, नेक्स्ट डे गया बेचारा वो। तो कुछ सवाल जवाब होते हैं, इंग्लिश टेस्ट भी करते हैं वो, यहाँ भाई तू पढ़ने जा रहा है उधर को, तेरे को आता भी है कुछ इंग्लिश, आती है तेरे को, क्योंकि उनको पता है लोग साइप्रस जाते हैं ना यूरोप में एंटर हो जाते हैं, तो इधर से सीधा यूरोपियन कंट्री मूव हो जाते हैं, वापस नहीं आते वो। फिर इंडिया का नाम भी ख़राब होता है जब कौन सी कंट्री का इलीगल जाते हैं जब उधर, है ना, रिफ्यूजी वगैरह लेते हैं, इसलिए वो ऐसे बंदे को ना टारगेट करते हैं जिसको आता नहीं है कुछ, उनको पता होता है कि ये मूव होगा आगे जाके, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते वो लोग। तो भाई अभी देख सकते हो रात भी हो गई, लाइट जलना शुरू हो गई है, ठीक है, आज दिन बहुत घूम ले, लेकिन ब्लॉग छोटा सा ही था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।